लॉ की पढ़ाई करने वाले इंदौर के छात्र की एक याचिका के बाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच की कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर बीते दिन से लाइव देखा जा रहा। दरअसल इंदौर के लॉ स्टूडेंट की याचिका पर लाइव स्ट्रीमिंग का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, जहां आदेश की सुनवाई पर बीते दिन सोमवार से मध्य प्रदेश में भी कोर्ट रूम का लाइव यूट्यूब पर शुरू कर दिया गया है, जिससे लॉ स्टूडेंट को काफी फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में होने वाले ट्रायल से सीधा प्रसारण के मांग पर जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार से कोर्ट रूम से कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू हो गया है। सोमवार की जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिविजनल बहस का सीधा प्रसारण किया गया। हाई कोर्ट में होने वाले ट्रायल का सीधा प्रसारण होने से देश भर के लॉ स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। अहमदाबाद की निर्मा यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहे इंदौर के सोयम जैन की ओर से वकील शन्नो शगुफ्ता खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई का सीधा प्रसारण करने की मानते हुए इसे शुरू करने के आदेश दिए थे। ज्ञात हो कि इससे पहले गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और केरल हाईकोर्ट में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ट्रायल का सीधा प्रसारण देखकर कुछ स्टूडेंट ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस प्रक्रिया के शुरू होने से देश भर के लॉ स्टूडेंट के साथ समाज के अन्य वर्ग जैसे पत्रकार व अन्य कई संबंधित लोगों को भी इससे फायदा मिलेगा। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा पता है क्या आपने पिटीशन लगाई थी हाईकोर्ट में और क्या मामला था पूरा और किस तरह से क्या रहा? ये 31 मई को मैंने पिटीशन फाइल करी थी। इस पिटीशन में मेरा ये मानना था कि जनहित में जो लोगों को जो अपनी हाईकोर्ट की सुनवाई चलती है वो सबको पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट में क्या चल रहा है, सबका हक है। और उसी में जज साहब ने भी ये बोला था कि जो राइट टू कोर्ट, राइट टू एक्सेस कोर्ट होता है वो उसकी कोई दो राय नहीं होती है, हर किसी का फंडामेंटल राइट होता है कोर्ट को एक्सेस करने का। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी ऑफलाइन कोर्ट्स नहीं चल रहे हैं, अभी ऑनलाइन कोर्ट चल रहे हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारी सुनवाई होती है। तो उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो दूसरे पत्रकार होते हैं या फिर लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे वकील होते हैं, वो कोई नहीं सुन पाता है, जबकि ऑफलाइन में हाईकोर्ट में जाकर सुनना अलाउड होता है। तो वो जो हमारा जो हक है, तो उसके लिए मैंने ये पिटीशन फाइल करी थी, जिसमें मैंने ये मांगा है कि जो कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई होती है उसका लाइव प्रसारण हो, जिससे कि सारे लॉ स्टूडेंट्स, वकील और सभी को फ़ायदा हो और पत्रकारों को भी इससे बहुत फायदा होता है। कौन आपके वकील कौन थे, किनके द्वारा सुनवाई की गई और क्या रहा, किस तरह से आपने? मैंने एडवोकेट शन्नो शगुफ्ता खान मैडम के थ्रू ये पिटीशन फाइल करी थी, जबलपुर हाईकोर्ट की बेंच में था। क्या हाईकोर्ट के मामलों के लिए आपने इस तरह से लगा दिया था? जी, हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग को ही लाइव करने के लिए मैंने पिटीशन फाइल करी। कहाँ से आया था आपके मन में ख्याल और ये किस तरह से आपने कहे और आप क्या करते हैं? ये जो है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी कोर्ट का ये कहना था कि जो राइट टू एक्सेस कोर्ट होता है वो उसकी कोई दो राय नहीं होती है। और दूसरी चीज़ कि जो गुजरात में और केरला में और कर्नाटका में पिछले महीने ही जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो चालू करी है कोर्ट ने, यूट्यूब के थ्रू होती है जो लाइव स्ट्रीमिंग। और गुजरात हाईकोर्ट में पिछले साल लाइव स्ट्रीमिंग का कोर्ट ने अलाउ करा था, जो वर्चुअल प्रोसीडिंग होती है उसको लाइव करने के लिए। आप क्या करते हैं? मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से लॉ कर रहा हूँ, थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सैयद है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।